Hello everyone, this is Akanksha and welcome back to my channel. Today's video is the most requested video by many of my viewers. मैंने अभी कुछ टाइम पहले माइक्रोवेव रेसिपीज और माइक्रोवेव रिलेटेड हैक्स डाले हुए थे, उस पर मुझे बहुत से मेरे व्यूअर्स के कमेंट आए हुए हैं कि मैम हम माइक्रोवेव को कैसे ऑपरेट करें या माइक्रोवेव और कन्वेक्शन एंड ग्रिल मोड में क्या डिफरेंस है, बेकिंग माइक्रोवेव में होगी या कन्वेक्शन मोड में होगी। तो उनकी बहुत सारी क्वेरीज थी, तो मैंने सोचा उन लोगों के लिए मैं आज एक वीडियो बनाऊं कि हमें माइक्रोवेव में क्या यूटेंसिल्स यूज करने चाहिए, माइक्रोवेव ऑपरेट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्री हीट माइक्रोवेव करना क्या होता है। आज हम उन सभी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाह रही हूँ इस वीडियो में कि ओटीजी एंड माइक्रोवेव ये दोनों अलग अलग होते हैं। ओटीजी अगर आपके पास है तो ओटीजी पे सिर्फ आप बेकिंग कर सकते हैं, वेयर एज इन केस ऑफ माइक्रोवेव में आप खाना पका भी सकते हैं और बेक भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो मैं पहला साइन आपको दिखाने वाली हूँ ये है माइक्रोवेव का साइन, मैंने क्रॉस में माइक्रोवेव लिखा हुआ है। इस पे जो है आप खाना बना सकते हैं, प्लस मेक श्योर इस पे जो हम बर्तन यूज करेंगे वो प्लास्टिक और कांच आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यानी ग्लास, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो माइक्रोवेव सेफ हो। लाइक देखिए मेरे पास ये बोरोसिल का है, तो इस पे आप जो है इस पे खाना बना सकते हैं। प्लास्टिक की अगर मैं बात करूं, ये मुझे मेरे माइक्रोवेव के साथ ही मिला हुआ है, इसके पीछे भी आप चेक कर लीजिए साइन बने होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, तो ऐसा साइन बना होना चाहिए तभी आप इसको माइक्रोवेव में यूज कर सकते हैं। ये अगर आप सिरेमिक यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे भी आप देख लीजिए, देखिए माइक्रोवेव सेफ। अगर आप कोई बाउल यूज कर रहे हैं तो माइक्रोवेव सेफ। अगर आप कोई कप यूज कर रहे हैं पानी गर्म करने के लिए तो उस पर भी आप चेक कर लीजिए, माइक्रोवेव सेफ तभी आप यूज कीजिए। ऐसे ही कोई प्लास्टिक और ग्लास प्लीज डोंट इंसर्ट इन माइक्रोवेव। सेकेंड साइन एंड कन्वेक्शन का, अगर आपके माइक्रोवेव में ये साइन नहीं है तो आप प्लीज मेक श्योर कि आप उस पर केक तो बेक नहीं कर सकते हैं। कन्वेक्शन मोड इज वेरी एसेंशियल मोड इन बेकिंग, और इस पे आप जो है वो एल्यूमिनियम टिन का यूज कर सकते हैं लाइक दिस, जैसे कि हम लोग बेकिंग के लिए यूज करते हैं केक बेक करने के लिए, तो कन्वेक्शन मोड में आप एल्यूमिनियम टिन का यूज कर सकते हैं। थर्ड साइन है ग्रिलिंग का, इस पे आपको जैसे कोई ब्रेड टोस्ट करनी है, आपको पनीर टिक्का बनाना है, आपको चिकन ग्रिल करना है, तो वो सब चीज आप इस पे यूज कर सकते हैं। तो आपको ये साइन जो है, ये तीन साइन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप में इन साइंस को आपको माइक्रोवेव में दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मेरा माइक्रोवेव है सैमसंग का और ये 800 वॉट है। जब मैं बात करती हूँ हाई पावर की तो सब बोलते हैं मैम हाई पावर क्या है, हाई पावर कुछ नहीं है, हाई पावर इज द वोल्ट ऑफ योर माइक्रोवेव, कि आपका जो माइक्रोवेव है वो कितने वोल्ट का है। देखिए यहाँ पे एक साइन बना हुआ है जो मैंने आपको पेपर में दिखाया था, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, आप ये देख सकते हैं ये खाना पकने वाला साइन है। आप जैसे ही इसको प्रेस करेंगे ये देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा, यहाँ पे लिख के आ रहा है 800 वॉट, यानी जो मेरा माइक्रोवेव है वो 800 वॉट का है। और ये सब माइक्रोवेव पर डिफर करता है, अगर मैं इसको एक बार और प्रेस करूंगी तो देखिए इसकी जो पावर है अब 600 वॉट, अब 450 वॉट, तो ये इट्स कीप ऑन चेंजिंग। अगर मैं इसको प्रेस करते जाऊंगी ये आ गया 180 पे। अब जैसे आपको मैं फिर से स्टॉप कर रही हूँ, और आपको अगर आपको नहीं पावर बढ़ानी है तो आप स्टॉप का बटन प्रेस कर दीजिए। अब जैसे मुझे पानी गर्म करना है, ठीक है, तो मैं सिरेमिक ग्लास पे या माइक्रोसेफ ग्लास पे क्या करूंगी, पानी भरूंगी, माइक्रोवेव का बटन को प्रेस करूंगी, ये 800 वॉट लिख के आया है। अगर मुझे एक मिनट पानी गर्म करना है तो मैं एक मिनट करके इसका स्टार्ट कर दूंगी। अभी तो मेरा माइक्रोवेव खाली चल रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो इस तरीके से हम करेंगे, इसको स्टॉप कर देती हूँ। मैं आपको इसका सेकंड बटन दिखा रही हूँ, देखिए जो मैंने पेपर में दिखाया था इस टाइप का साइन होता है, ये होता है कन्वेक्शन मोड का। इस मोड पे आप केक को बेक कर सकते हैं। अब केक को बेक करते समय प्री हीट तो इट्स अ वेरी क्रूशियल स्टेप जो कि हमेशा फॉलो करनी चाहिए। तो इसमें अगर बोलेंगे, इसे बोलते हैं ना कि 180 डिग्री पे आप अपने माइक्रोवेव को प्री हीट कर लीजिए, तो देखिए कन्वेक्शन मोड में यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस लिख के आ रहा है, तो मैं कन्वेक्शन मोड में एक बार और प्रेस करूंगी, ये आ गया 180 डिग्री। अब हम इसको कर देंगे, एक टाइम फिक्स कर लेंगे, लाइक हमें 10 सेकेंड के लिए इसको प्री हीट करना, तो यहाँ पर जो आ रहा है ये 10 ये आपका सेकेंड्स में है, और हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए मेरा प्री हीट यहाँ इधर जो है वो रेडी हो गया है,
और मैं आपको पूरा इसका प्रोसेस दिखा रही हूँ, जैसे मैंने अभी इसको 10 सेकंड के लिए किया। तो देखिए मेरा जो कन्वेक्शन मोड है ये प्री हीट हो गया है, ये बोल गया है। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, माइक्रोवेव का जो इसको ऑन करेंगे इसके ढक्कन को, और यहाँ पे अपने केक टिन को प्लेस कर देंगे। फिर दोबारा से हम इसको बंद करेंगे, फिर कन्वेक्शन मोड पे, अगर फिर से हमें 180 डिग्री सेल्सियस पे अपने केक को बेक करना है तो 180 डिग्री पे लाएंगे। नीचे पे टाइमिंग दी हुई, आप देख सकते हैं 10 मिनट्स 1 सेकंड 10 सेकंड्स। अगर बाई चांस 20 मिनट लिए केक बेक करना है तो यहां से 20 हो गया, और मुझे बाई चांस 25 मिनट्स लिए केक बेक करना है तो ये 20 मिनट्स तो मैंने यहां से सेट कर लिए, और 1 मिनट जैसे ये है तो 1 2 3 4 5, सो ये 25 मिनट, और मैं यहाँ पे स्टार्ट का बटन प्रेस कर दूंगी तो मेरा केक बेक हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, और बेसिकली फ्रेंड्स ये डिफर करता है केक टू केक। तो अभी आपको मैंने कन्वेक्शन मोड में बताया कि हम जो है प्री हीट कैसे करेंगे केक बेक करने से पहले, और बाद में हम जो अपना केक टिन है वो कैसे इंसर्ट करेंगे और कैसे हम उस पर टाइमिंग लगाएंगे। बट फ्रेंड्स ये डिफर करता है माइक्रोवेव टू माइक्रोवेव, और केक की क्वालिटी कैसी है। बाय चांस आपके केक का बैटर अगर पतला है तो उस पर जो टाइमिंग है केक बेकिंग की वो ज्यादा लगेगी, अगर आपका केक का बैटर थिक है तो उसमें टाइम लगेगी कम टाइम लगेगा उस पर। जनरली 25 to 30 मिनट्स में जो केक है वो बेक हो जाता है। अंडे वाला केक होगा उसमें टाइम कम लगेगा, अगर आपका केक बिना अंडे का है तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो अप्रॉक्स आप लगा के चल सकते हैं कि आप 20 मिनट बाद तो एक बार अपने कन्वेक्शन मोड को स्टॉप करके आप माइक्रोवेव ऑन करके उसका केक का टेक्सचर चेक कर सकते हैं। एक कोई टूथपिक इंसर्ट कर लीजिए, आप कोई नाइफ इंसर्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिए वेदर योर नाइफ और टूथपिक क्लीन निकल के आता है। नहीं क्लीन निकल के आता है तो उसका मतलब आपका केक बेक हो गया है। 10 के इंच में भी डिफरेंस करता है कि आप अपना केक हाफ के जी का बना रहे हैं, 1 kg का बना रहे हैं, टिन का साइज 8 इंच है या उससे कम है या उससे ज्यादा है। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप जो केक है वो आधा किलो बेक कर रहे हैं या 1 किलो बेक कर रहे हैं, और उसका जो टिन साइज है आपके केक का वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो कन्वेक्शन मोड की टाइमिंग है उसको फिक्स कर लीजिए, आपका केक बहुत बढ़िया बेक होगा। फ्रेंड्स थर्ड फंक्शन है ग्रिल का, ये ग्रिल का साइन बना हुआ है। इसमें भी सेम आपको चिकन टिक्का, पनीर टिक्का या कोई टोस्ट ग्रिल करना है, प्रेस कीजिए, जस्ट सेट द टाइमिंग कि 1 मिनट 2 मिनट ग्रिल करना है एंड स्टार्ट। तो इज दैट सिंपल, नाउ आई स्टॉप। सो आई होप गाइस यू लाइक माय टुडेस वीडियो, जिसपे मैंने माइक्रोवेव कन्वेक्शन एंड ग्रिल मोड को अपने एंड में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है रिगार्डिंग कोई भी फंक्शन माइक्रोवेव का, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे डालिए, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर आपको कोई वीडियो अच्छा चाहिए या माइक्रोवेव से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे लिख के बताएं, मैं उसको भी जल्दी अपलोड करूंगी। और अगर आपको मेरे आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें, डू कमेंट मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। उसके बगल में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड।